वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। और फिर से हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने जा रहे हैं और हमेशा की तरह मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा हिंदी में। तो बढ़ते हैं इसके हेडलाइन की ओर। हेडलाइन है एंग्जाइटी माउंट्स अमंग कैंडिडेट्स एज एनटीए ग्रैपल्स विद कंट्रोवर्सीज। एंग्जाइटी का मतलब होता है गाइस चिंता, भय, या किसी बारे में बहुत ज़्यादा व्याकुलता होती है उसको एंग्जाइटी बोलते हैं ना, नर्वसनेस। तो एंग्जाइटी जो है वो क्या कर रहा है, माउंट कर रहा है। माउंट का मतलब आपको पता होगा, माउंट का मतलब होता है क्या होता है, पर्वत। लेकिन पर्वत जो होता है वो माउंट का नाउन फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए माउंट्स लगा है, ये क्या है, वर्ब है। और वर्ब में माउंट का मतलब होता है गाइस किसी चीज का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, उसका स्तर बढ़ रहा है, उसको माउंट करना कहते हैं, इंक्रीज होना है ना, किसी स्तर में वृद्धि होने को माउंट करना कहते हैं। तो जो एंग्जाइटी है, जो चिंता है, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है। अमंग का मतलब है किन्हीं लोगों के बीच, तो किनके बीच चिंता बढ़ रहा है, कैंडिडेट्स में, कि जो परीक्षार्थी है, जो कैंडिडेट्स है उनके बीच में जो एंग्जाइटी है, जो चिंता है, वो क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है, माउंट हो रहा है। क्यों, यहाँ पे एस क्योंकि के सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि जो एनटीए है ये ग्रैपल्स विद कर रहा है। ग्रैपल विद का मतलब है गाइस किसी जो कोई प्रॉब्लम है उसे आप ग्रैपल विद कर रहे हो, दैट मीन्स आप उस प्रॉब्लम को आप डील करने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज से आप जूझ रहे हो। क्योंकि जो एनटीए है वो ग्रैपल विद कर रहा है, मतलब वो डील कर रहा है किस चीज से, कंट्रोवर्सीज, मतलब कि विवादों से। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है झगड़ा या विवाद किसी बारे में, है ना। तो एंग्जाइटी बढ़ रहे हैं कैंडिडेट्स के बीच में, क्योंकि जो, और जो एनटीए है वो क्या कर रहा है, ग्रैपल विद कर रहा है, मतलब वो डील कर रहा है किस चीज से, कंट्रोवर्सी से। ये हो गया गाइस इसका हेडलाइन। अब इसको अच्छे से समझने के लिए वी हैव टू गो टू द मेन न्यूज। तो यहां से देखते हैं, कंसर्न्स लूम ओवर द अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG रिजल्ट्स अमिड द ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी सराउंडिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA व्हिच इज अंडर इंटेंस स्क्रूटनी ड्यू टू द अलेज लीकेज ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट NEET UG एंड UGC नेट क्वेश्चन पेपर्स। इतना लंबा है, इसको हम शॉर्ट में तोड़ के पढ़ते हैं। कंसर्न्स का मतलब है चिंता, है ना। चिंता क्या कर रहा है, लूम कर रहा है। लूम का मतलब होता है इस मंडराना या बने हुए होना। जैसे कि आपके हेड पे बहुत सारा टेंशन है या बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो आप बोल सकते हो कि जो प्रॉब्लम है इज लूमिंग ओवर योर हेड। तो जो कंसर्न्स है वो क्या कर रहा है, मंडरा रहा है या बना हुआ है किस पर, ओवर द अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे CUET UG कहा जा रहा है। इसके रिजल्ट्स पर जो कंसर्न है वो क्या, कंसर्न क्या है, बना हुआ है या मंडरा रहा है, मतलब कि चिंता मंडरा रहा है, चिंता बना हुआ है उसके रिजल्ट पर। अमिड का मतलब है किसके मध्य, किसी चीज के मध्य, तो किसके मध्य चिंता बना हुआ है, अमिड द ऑनगोइंग, तो जो ऑनगोइंग में जो चल रहा, जो कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी का मतलब है विवाद या झगड़ा किसी विषय में। तो कंट्रोवर्सी किस चीज पर, सराउंडिंग द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और ये जो कंट्रोवर्सी, मतलब ये जो झगड़ा या विवाद है, ये सराउंड कर रहा है, मतलब ये घिरा हुआ है किसके, किसकी ओर घिरा हुआ है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में यहां पे NTA कहा जा रहा है। तो NTA के अराउंड जो कंट्रोवर्सी जो घिरी हुई है, जो बनी हुई है, उसके मध्य जो कंसर्न्स है, कंसर्न किस चीज पर, ओवर द अंडर ग्रेजुएट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसको यहां पे CUET UG कहा जा रहा है, इस पर चिंता बना हुआ है किसके मध्य, अभी जो कंट्रोवर्सी चल रहा है NTA के अराउंड उसके मध्य। और ये जो NTA है इसके लिए विच लगा है, विच इज अंडर, जो कि क्या है, अंडर है, मतलब कि अंडर का मतलब किसी के अधीन या किसी के अंतर्गत। तो ये जो NTA है ये अंडर है किसके, इंटेंस स्क्रूटनी। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा या तीव्र, स्क्रूटनी का मतलब लगे इस किसी चीज की बारीकी से परीक्षण करना या जांच करने को स्क्रूटनी कहते हैं। तो ये जो NTA है जो कि अभी अंडर इंटेंस स्क्रूटनी है, इसकी जांच की जा रही है। ड्यू टू का मतलब है किसी कारण के कारण, तो ड्यू टू किस कारण से, कारण स्क्रूटनी में है ये। द अलेज, अलेज का मतलब है गाइस कथित, जिसपे लाइक यू नो जिसपे आरोप लगा है, है ना, कि ये जो अलेज लीकेज है, लीकेज का मतलब है लीक होने के काम को लीकेज बोलते हैं। तो लीकेज किस चीज का, ऑफ द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिस अंडर ग्रेजुएट, जिसको शॉर्ट में यहाँ पे NEET UG कहा जा रहा है, और साथ ही UGC नेट के क्वेश्चन पेपर्स पर जो अलेज, मतलब कि जो यू नो अलेज मतलब कि कथित जो लीकेज है, इसके विषय में जो NTA है वो क्या है, अंडर इंटेंस स्क्रूटनी है। तो इसके मध्य जो कंसर्न्स है वो क्या कर रहा है, वो लूम ओवर कर रहा है, मतलब वो बना हुआ है किस चीज पर, कंसर्न बना हुआ है जो CUET UG के रिजल्ट्स है उस पे, जो चिंता है वो बना हुआ है।
कैंडिडेट्स आर अफ्रेड दैट द डिले माइट अफेक्ट द CUET एडमिशन साइकिल एज वेल. हाउएवर NTA हैज़ नॉट इश्यूड एनी स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इशू एंड द ऑफिशियल वेबसाइट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड येट. देखिए जो कैंडिडेट्स हैं मतलब कि जो कैंडिडेट हैं मतलब कि जो परीक्षार्थी है आर अफ्रेड, वो क्या है अफ्रेड है मतलब कि डरे हुए हैं. अब अफ्रेड क्यों है दैट की द डिले की, ये जो डिले हो रहा है मतलब कि डिले का मतलब किसी चीज़ में देरी. तो जो डिले है ये क्या कर सकता है, माइट अफेक्ट. माइट का यूज़ किया जाता है जब किसी चीज का संभावना बताना हो, पॉसिबिलिटी बताना हो तब. तो कैंडिडेट्स क्या हुए हैं, डरे हुए हैं कि जो ये जो डिले हो रहा है ये क्या कर सकता है, माइट अफेक्ट, ये प्रभावित कर सकता है किस चीज को, द CUET के जो एडमिशन साइकिल है इसको भी क्या कर सकता है, ये अफेक्ट कर सकता है इस चीज का डिले. ऐसा जो कैंडिडेट्स है वो क्या है, अफ्रेड है कि डरे हुए हैं. हाउएवर का सेंस होता है कि हालांकि जो NTA है हैज नॉट इश्यूड, उसने इश्यू नहीं किया है, जारी नहीं किया है एनी स्टेटमेंट. तो कोई भी स्टेटमेंट को जारी नहीं किया है हालांकि किसने, NTA ने. रिगार्डिंग का मतलब है किसी चीज के संबंध में, तो किस चीज के संबंध में, द इशू. तो इस इशू के संबंध में कोई भी स्टेटमेंट को जारी नहीं किया है NTA ने. एंड द ऑफिशियल वेबसाइट, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है हैज नॉट बीन अपडेटेड, उसको अपडेट नहीं किया गया है येट, मतलब कि अभी तक अपडेट नहीं किया गया है किसको, ऑफिशियल वेबसाइट को. द NTA कंडक्टेड द CUET UG 2024 इन हाइब्रिड मोड फॉर ओवर 13.8 लाख कैंडिडेट्स फ्रॉम May 15 to May 29 एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर्स लोकेटेड इन 380 सिटीज इंक्लूडिंग 26 आउटसाइड इंडिया. देखिए द NTA, जो NTA है कंडक्टेड, इसने कंडक्ट किया था, कंडक्ट का मतलब आयोजित करना, तो आयोजित किया था द CUET UG 2024 को आयोजित किया था इन हाइब्रिड मोड. हाइब्रिड मोड का मतलब ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी. तो इस मोड में क्या किया था, कंडक्ट किया था फॉर ओवर, तो किसके लिए, फॉर ओवर 13.8 लाख कैंडिडेट्स के लिए इसको आयोजित किया था. कब से, फ्रॉम मई 15, तो 15 मई से लेकर मई 29 तक. कहां पे, एट वेरियस, तो वेरियस का मतलब है कई, जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है जो कि लोकेटेड है, जो कि स्थित है कहां पे, इन 380 सिटीज में जो बहुत सारे एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहां पे इसको कंडक्ट करवाया था. और ये जो 380 सिटीज है इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है 26, मतलब कि 26 आउटसाइड है इंडिया के बाहर भी 26 है, वहां पे भी करवाया. मतलब कि NTA ने क्या किया था, कंडक्ट किया था CUET UG 2024 को किस चीज में, हाइब्रिड मोड में, गई ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में, किसके लिए, फॉर ओवर 13.8 लाख कैंडिडेट्स के लिए. कब से कंडक्ट किया था, फ्रॉम मई 15, तो मई 15 से स्टार्ट हुआ था और कब तक चला था, मई 29 को. कहाँ पे, एट वेरियस एग्जामिनेशन सेंटर, तो बहुत सारे जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है जो कि कहाँ पे है, 380 सिटीज में कई जो एग्जामिनेशन सेंटर्स है वहाँ पे करवाया था. और इसमें इंक्लूड है, इसमें शामिल है क्या, 26 आउटसाइड इंडिया. तो जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो 26 जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, आउटसाइड इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर. Students who had taken the CUET 2024 are on tenter hooks as even the provisional keys for the exam have not been released yet. Meanwhile, universities outside the CUET umbrella have initiated their admission processes, complicating decision for aspirants. देखिए जो students हैं, अब कौन से students, who had taken, जिन लोगों ने लिया था, टेक का मतलब लेना, तो स्टूडेंट्स हु हैड टेकन मतलब कि वो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने लिया था क्या, द CUET 2024 का जो टेस्ट लिया था, आर वो क्या है, ऑन टेंटर हुक्स में है. टेंटर हुक्स का मतलब होता है कि इस किसी चीज का अब बहुत ही ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हो, उसको टेंटर हुक्स में होना बोलते हैं. जैसे कि आपने एग्जाम दिलाया और एग्जाम का जो रिजल्ट है उसके लिए आप लाइक यू नो कैसे वेट करते हो, आपको थोड़ा डर रहता है कि कहीं पास हो जाऊं या लाइक कहीं फेल ना हो जाऊं, तो उसको टेंटर हुक्स में होना बोलते हैं. तो स्टूडेंट्स हु हैड टेकन, जिन लोगों ने लिया था क्या, CUET 2024 का जो टेस्ट लिया था, आर ऑन टेंटर हुक्स, तो टेंटर हुक्स में है कि बेसिकली वो लोग वेट कर रहे हैं. एज इवन, वही दूसरी ओर द प्रोविजनल कीज जो है, अब ये प्रोविजनल कीज क्या होता है गाइस, ये यू नो जो CUET के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि जो प्रोविजनल कीज है फॉर द एग्जाम, इस एग्जाम के लिए ये जो कीज है, हैव नॉट बीन रिलीज, उसको क्या नहीं किया गया, रिलीज नहीं किया गया येट, मतलब कि अभी तक. मीनवाइल का सेंस होता है कि इसी बीच या इसी दौरान
जो यूनिवर्सिटीज़ है आउटसाइड का मतलब है बाहर, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो आउटसाइड है किस चीज़ के, द सी यू ई टी अम्ब्रेला के। अब देखिए जो सी यू ई टी है गाइस, ये यू नो ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, इसके यू नो अंडर बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, बहुत सारे और एग्जामिनेशन होंगे, है ना। तो ये जो सी यू ई टी अम्ब्रेला के आउटसाइड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कर दिया है, हैव इनिशिएटेड, उसने इनिशिएट कर दिया है, इनिशिएट का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो क्या इनिशिएट कर दिया है, देयर एडमिशन प्रोसेसेस, तो उनके जो एडमिशन प्रोसेस को क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। कॉम्प्लिकेटिंग डिसीजन फॉर एस्पिरेंट, और इस कारण से क्या हो रहा है, जो एस्पिरेंट का जो डिसीजन है, इस चीज़ को मतलब कि एस्पिरेंट के डिसीजन को ये कॉम्प्लिकेट कर रहा है, मतलब कि पेचीदा बना रहा है ना, कि जो यूनिवर्सिटीज़ है सी यू टी अम्ब्रेला के बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ है, उन यूनिवर्सिटीज़ ने क्या कर दिया है, उनके एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, और इस कारण से ये क्या कर रहा है, ये कॉम्प्लिकेट कर रहा है एस्पिरेंट्स के डिसीजन को। एस्पिरेंट का मतलब होता है इस महत्वाकांक्षी, जो किसी चीज़ को अस्पायर कर रहे हो ना, किसी चीज़ को पानी की ख्वाहिश में हो, उसको एस्पिरेंट बोलते हैं। तो उनका जो डिसीजन है, उस चीज़ को ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लिकेट कर रहा है, क्या जो यूनिवर्सिटीज़ है जो आउटसाइड है किसके, सी यू टी अम्ब्रेला के, उन लोगों ने जिस लाइक एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया है, तो इस कारण से ये क्या कर रहा है, कॉम्प्लिकेट कर रहा है एस्पिरेंट्स के डिसीजंस को। अमेलिया डिक्रूज 19 फ्रॉम दिल्ली सेड शी ईगरली अवेट्स द सी यू ई टी रिजल्ट्स सिंस शी हैज़ ऑलवेज वॉन्टेड टू स्टडी साइकोलॉजी एट लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन। देखिए जो एमिलिया डिक्रूज है, जिनका एज बताया जा रहा है 19, कहाँ से है ये, फ्रॉम दिल्ली, तो दिल्ली से है, तो इन्होंने क्या किया, सेड कहा कि शी ईगरली अवेट्स, कि वो बहुत ही ईगरली में कि उत्सुकता से वो क्या करिए, अवेट करिए, मतलब कि इंतजार करिए किसी चीज़ का, द सी यू ई टी के रिजल्ट का बहुत ही उत्सुकता से इंतजार कर रही है। सिंस यहाँ पे क्योंकि के सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि शी हैज़ ऑलवेज वांटेड, क्योंकि वो हमेशा से ही क्या मतलब कि वो चाहती थी हमेशा से टू स्टडी, क्या करना, स्टडी करना किस चीज़ को, साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी को स्टडी करना चाहती थी एट लेडी श्री राम कॉलेज, तो लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन, तो ये जो कॉलेज है यहाँ पे वो क्या करना चाहती थी, शी ऑलवेज वॉन्टेड, वो हमेशा से चाहती थी क्या करना, स्टडी करना साइकोलॉजी को, तो वो क्या कर रही है, ईगरली मतलब बहुत ही उत्सुकता से अवेट कर रही है, कि इंतजार कर रही है। डिक्रूज सेड, तो यू नो जो अमेलिया डिक्रूज है, उन्होंने क्या किया, सेड कहा, शी इज कॉन्फिडेंट, कि वो बहुत वो क्या है, कॉन्फिडेंट है, कि उनको आत्मविश्वास है किस चीज का, सिक्योरिंग, तो सिक्योर करने का हर डिजायर, तो उनका जो डिजायर सीट है, कि जितना सीट उसने डिजायर किया है उसको सिक्योर करने का, उसको सुरक्षित करने का उसमें कॉन्फिडेंट है। कहां पे सीट सिक्योर करना, एट दिल्ली यूनिवर्सिटी DU पे सिक्योर करने के लिए वो कॉन्फिडेंट है कि वो कर लेगी, है ना, सीट को सिक्योर कर लेगी, ऐसा वो उसको आत्मविश्वास है। द NTA वॉज सपोज टू रिलीज द आंसर की बाय नाउ, बट इट इज स्टिल नॉट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, आई एम होपिंग दैट रिजल्ट आर नॉट डिलेड, शी एडेड। देखिए जो NTA है, वॉज सपोज टू रिलीज, उसको रिलीज करना था। देखिए सपोज टू का यूज किया जाता है जब आपको लाइक यू नो आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन रहता है कि आप चीज को किसी काम को करोगे, है ना, तो उसको आप लाइक उसको हम सपोज टू के सेंस में यूज करते हैं ना, जैसे कि मुझे लाइक मेरा ऑब्लिगेशन है कि मैं कहीं पे जाऊं, तो आई एम सपोज टू गो देयर, तो वैसे ही सपोज का यूज किया जाता है। तो जो NTA है वो सपोज टू रिलीज, तो उसको लाइक वो रिलीज कर वो करता किस चीज को, द आंसर की को बाय नाउ, मतलब कि अब तक रिलीज कर दिया जाना चाहिए था किसको, NTA को, तो NTA का ऑब्लिगेशन था कि अभी तक इसको जो आंसर की है उसको वो रिलीज कर देता, बट लेकिन इट इज स्टिल नॉट अवेलेबल, लेकिन ये अभी भी अवेलेबल नहीं है, क्या आंसर की अवेलेबल नहीं है कहां पे, ऑन द वेबसाइट, तो वेबसाइट में। आई एम होपिंग, और मैं ये होप कर रही हूं, मतलब आशा कर रही हूं, दैट कि जो रिजल्ट्स है और आर नॉट डिलेड, वो डिले ना हो जाए, मतलब जो रिजल्ट्स है उसमें देरी ना आ जाए, ऐसा मैं होप कर रही हूं। शी एडेड, ऐसा उन्होंने ऐड किया, एड कमिंग किसी बात में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन डालना या जोड़ना। मैनी स्टूडेंट्स हु आर वाइंग टू गेट इन टू DU कॉलेजेस फेस अ डायलेमा, आइदर ऑप्ट फॉर लोकल कॉलेजेस एज एडमिशन डेडलाइन अप्रोचेस और अवेट CUT UG रिजल्ट्स। देखिए मैनी स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हु आर, जो कि क्या कर रहे हैं, आर वाइंग,
वाइंग, वाइंग मतलब होता है गाइस किसी चीज़ के लिए कंपीट करना, जैसे कंपटीशन होता है ना, कंपटीशन एग्जाम, तो उसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कंपीट करते हैं, उसको फाइट करते हैं ना, तो उसको वाई करना बोलते हैं ना, कंपीट करने के सेंस में यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो फाइट कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं, क्या करने के लिए, टू गेट इन टू, तो एडमिशन लेने के लिए, कहाँ पे, डी यू कॉलेजेस में, वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं कि वो सामना कर रहे हैं एक डायलेमा का। डायलेमा का मतलब लगे इस धर्म संकट या कोई यू नो दुविधा, तो एक जो धर्म संकट है या दुविधा है उसको फेस कर रहे हैं कौन, बहुत सारे स्टूडेंट जो कि क्या कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, गेट इन टू डी यू, तो जो डी यू कॉलेज है वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो कंपीट कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं एक डायलेमा को। डायलेमा का मतलब दुविधा या प्रॉब्लम या बोल सकते हैं धर्म संकट। अब डायलेमा क्या है, आइदर या तो ऑप्ट करें, किसके लिए, ऑप्ट का मतलब चुनना, ऑप्ट किसके लिए, फॉर लोकल कॉलेजेस, तो या तो लोकल कॉलेजेस को ऑप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे एस क्योंकि के सेंस में यूज हुआ है, क्योंकि जो एडमिशन है, एडमिशन के जो डेडलाइन है वो क्या हो रहा है, अप्रोच हो रहा है, एडमिशन को जो लास्ट डेट है वो क्या हो रहा है, वो करीब में आ रहा है, तो इसलिए वो दुविधा है कि या तो वो लोकल कॉलेजेस को चुने और या तो अवेट करे किसके लिए, सी यू टी यू जी रिजल्ट्स के लिए। तो मतलब ये दोनों चीज़ में उन लोगों को दुविधा है क्योंकि कॉलेज का जो एडमिशन का जो डेडलाइन है वो करीब आ रहा है ना, तो इसका इसके लिए एडमिशन ले या वेट करे सी यू टी यू जी रिजल्ट्स के लिए, तो ये दुविधा है ना उन लोगों को। अनदर स्टूडेंट सोनाली शुक्ला स्टेटेड वी विल श्योरली गेट एडमिशन। देखिए अनदर में कि एक और जो स्टूडेंट है जिनका नाम है सोनाली शुक्ला, उन्होंने क्या किया, स्टेटेड, स्टेट का मतलब इस कहना बोलना या स्टेटमेंट देना, तो एक और स्टूडेंट सोनाली शुक्ला है, उन्होंने स्टेट किया, कहा वी विल श्योरली गेट एडमिशन, कि हम लाइक श्योरली मतलब पक्का हमको एडमिशन मिल जाएगा, माइट नॉट बी मतलब हो सकता है कि नॉट बी इन इन द डिज़ायर कॉलेज, तो एडमिशन तो होगा बट हो सकता है कि हमारा जो डिज़ायर कॉलेज है, मतलब कि जिस कॉलेज का हम डिज़ायर कर रहे हैं, इच्छा है, हो सकता है उस कॉलेज में ना हो, बट देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लेकिन बहुत सारे क्या हैं, ऑप्शंस है, विकल्प है फॉर दोस्त, मतलब कि उन लोगों के लिए हु आर नॉट स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कि जो लोग सेलेक्ट करके नहीं रखे हैं इसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, है ना, तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। इफ़ वी कॉम्प्रोमाइज विद द चॉइसेस एडमिशन इज नॉट एन इश्यूज, तो मतलब कि अगर हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, मतलब अगर हम समझौता करते हैं किस चीज़ के साथ, विद द चॉइसेस, तो जो चॉइस है उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो जो एडमिशन है इज नॉट एन इशू, वो एक इशू नहीं है। यस हाँ सर्टनली आई विल पे द फी टू सिक्योर माई सीट आफ्टर चेकिंग इफ इट इज़ अ रिफंडेबल और नॉट, तो यस हाँ सर्टनली मतलब निश्चित रूप से आई विल पे, तो मैं पे करूँगी द फी, तो फी को पे करूँगी क्या करने के लिए, टू सिक्योर, तो सिक्योर करने के लिए माई सीट को, आफ्टर चेकिंग, तो चेक करने के बाद, इफ कि अगर इट इज रिफंडेबल और नॉट, मतलब कि चेक करने के बाद मैं फी को पे करूंगी, क्या चेक करने के बाद, कि ये जो यू नो ये जो पैसा है वो रिफंडेबल है या नहीं है, मतलब कि जो फी है उसको क्या रिफंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसको मैं चेक करूंगी, ऐसा वो बोल रही है। सो एट दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट पर आई हैव टू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क, तो इस पॉइंट पर मुझे क्या करना है, मुझे लेना होगा क्या, एक कैलकुलेटिव रिस्क। कैलकुलेटिव का मतलब होता है कि जो आप सोच समझ के करते हो, है ना, हर चीज़ को एक पैमाने पर नाप के किसी रिस्क को टेक करते हैं, उसको कैलकुलेटिव रिस्क बोलते हैं, तो इसलिए इस पॉइंट पे मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क, मुझे रिस्क लेना होगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग देयर एडमिशन प्रोसेसेस विच लीव्स मी विथ नो ऑप्शन बट टू एनरोल इन वन यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु एज अ बैकअप, सेड सुभांशी अनदर एस्पिरेंट हु गोज़ बाय हर फर्स्ट नेम। देखिए जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है आर ऑन द वर्ज, वो क्या है, ऑन द वर्ज है, अगर कोई चीज़ ऑन द वर्ज है किसी चीज़ के, तो दैट मीन्स वो क्या है, किसी चीज़ के किनारे पे है या कगार पे है, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो किस चीज़ के कगार में है, क्लोजिंग, तो क्लोज करने के कगार पे है, क्लोज क्या, देयर एडमिशन प्रोसेसेस, तो उनके एडमिशन के प्रोसेस को बंद करने के कगार में, क्योंकि बंद करने वाले हैं, हो सकता है उनका जो डेडलाइन है वो यू नो आने वाला है, तो इसलिए वो क्या, उनका जो एडमिशन प्रोसेस को क्लोज करने के कगार पे है, विच लीव्स, जो कि छोड़ता है क्या, मी विथ नो ऑप्शन, कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ रहा, जब एडमिशन प्रोसेस क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, तो मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, बट टू बट का यहाँ पे एक्सेप्ट के सेंस में यूज हुआ है गाइस, किसी चीज़ को छोड़कर, तो किस चीज़ को छोड़कर, इनरोल करने को छोड़कर, इनरोल का मीन्स किसी चीज़ में एडमिशन लेना, तो इन वन यूनिवर्सिटी, तो एक यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ पे है, बेंगलुरु में है, एज अ बैकअप, तो बैकअप
के रूप में ये जो एक जो यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु में उसमें इनरोल करने के सिवाय मेरे पास और भी कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है वो किस चीज़ पे है, ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग देयर एडमिशन प्रोसेस, सेड सुभांशी। ऐसा किसने कहा? सुभांशी ने कहा, जो कि कौन है, अनदर में की दूसरी एस्पिरेंट है, हु गोज़ बाय हर फर्स्ट नेम, जिनका फर्स्ट नेम क्या है, सुभांशी, जिनको सुभांशी बोला जाता है, तो इन्होंने ऐसा कहा। मोना सिंह अ डी यू फैकल्टी सेड दैट द कैंडिडेट्स एडमिशन डिपेंड ऑन देयर सी यू ई टी परफॉर्मेंस, देयर आर यूनिवर्सिटीज विच अलाउ एडमिशन एंड इवन रिफंड द फीस लेटर अंडर यू जी सी गाइडलाइंस। देखिए, जो मोना सिंह है, जो कि कौन है, एक डी यू की फैकल्टी है, फैकल्टी का मतलब था कि इस स्टाफ है ना, मतलब कि यूनिवर्सिटी का स्टाफ है। उन्होंने क्या किया, सेड कहा दैट की द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है, इसका सेंस होता है का या की, तो कैंडिडेट का जो एडमिशन है डिपेंड करता है ऑन देयर सी यू ई टी के जो परफॉर्मेंस है उस पर डिपेंड करता है। देयर आर यूनिवर्सिटीज़, तो यू नो यूनिवर्सिटीज़ हैं, मतलब कई यूनिवर्सिटीज़ है विच अलाउ, जो कि अलाउ करता है एडमिशन को, मतलब कि एडमिशन करना अलाउ करता है, एंड इवन और यहाँ तक कि रिफंड कर देता है, किस चीज़ को, द फीस को रिफंड कर देता है लेटर में कि बाद में अंडर कमिंग अंतर्गत, तो किसके अंतर्गत, यू जी सी गाइडलाइन के अंतर्गत क्या करता है, अलाउ करता है स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना और रिफंड करना बाद में फीस को। सो देयर आर ऑप्शंस, तो यू नो ऑप्शंस है किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स, तो छात्रों के लिए, हु कैन सिक्योर, जो कि सिक्योर कर सकते हैं देयर सीट्स, तो उनके सीट्स को, एज वेल एज और साथ ही वेट भी कर सकते हैं इफ़ दे आर कॉन्फिडेंट, तो यू नो वो साथ ही वो क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं अगर वो कॉन्फिडेंट है अबाउट देयर परफॉर्मेंस, तो अगर उनके परफॉर्मेंस के बारे में वो लोग कॉन्फिडेंट है तो वो लोग वेट भी कर सकते हैं, सिंह सेड, ऐसा जो यू नो फैकल्टी मेंबर है उन्होंने कहा। मीडिया रिपोर्ट्स क्लेम दैट एनटीए इज रिव्यूइंग द आंसर की बिफोर रिलीजिंग इट टू अवॉइड एनी फर्दर कॉन्ट्रोवर्सी। देखिए, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं वो क्लेम करते हैं, वो दावा कर रहे हैं दैट कि जो एनटीए है इज रिव्यूइंग, वो रिव्यू कर रहा है, रिव्यू का मतलब होता है कि किसी चीज़ की समीक्षा करना, पुनः जाँच करना, पुनः अवलोकन करना। तो मीडिया रिपोर्ट का क्लेम है कि जो एनटीए है वो रिव्यू कर रहा है किसी चीज़ को, द आंसर की, तो जो आंसर की है उसको रिव्यू कर रहा है, बिफोर का मतलब पहले, तो रिलीजिंग, तो इसको रिलीज करने के पहले, टू अवॉइड, ताकि अवॉइड कर सके एनी, मतलब कि और कोई फर्दर कंट्रोवर्सी है, मतलब कि आगे और कोई भी कंट्रोवर्सी है हो सकती है, उसको अवॉइड करने के लिए जो एनटीए है क्या कर रहा है, आंसर की को रिव्यू कर रहा है रिलीज करने से पहले। सी यू ई टी यू जी आंसर की रिस्पॉन्स शीट एज वेल एज क्वेश्चन पेपर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी आउट एनी डे नाउ। देखिए, जो सी यू ई टी यू जी के जो आंसर की है और जो रिस्पॉन्स शीट है एज वेल एज और साथ ही जो क्वेश्चन पेपर्स है आर एक्सपेक्टेड, उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है टू बी आउट, कि वो आउट हो सकते हैं एनी डे नाउ, में लाइक कभी भी क्या हो सकता है, ये आउट हो सकता है। एनटीए हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एनी एनटीए हैज़ नॉट प्रोवाइडेड, तो एनटीए ने प्रोवाइड नहीं किया, मतलब कि दिया नहीं है एन आंसर की, तो आंसर की नहीं दिया है, एन आंसर की रिजल्ट डेट, तो आंसर की के रिजल्ट डेट को प्रोवाइड नहीं किया है किसने, एनटीए ने। ड्यू टू विच, जिसके कारण से जो कैंडिडेट है हैव टू वेट, उनको वेट करना पड़ रहा है अनटिल का, जब तक कुछ ना हो तब तक, तो अनटिल एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट, तो जब तक एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आ जाता तब तक जो कैंडिडेट्स हैं उनको वेट करना पड़ रहा है ना, वो लोग वेट कर रहे हैं। फॉलोइंग लास्ट ईयर पैटर्न, अब ये फॉलो करते हुए लास्ट ईयर के पैटर्न को, पिछले साल का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए, कि उसके हिसाब से द आंसर की शुड हैव बीन रिलीज, तो उसके अनुसार अगर यू नो पिछले साल का जो पैटर्न है उसको फॉलो किया जाए, तो जो आंसर की है शुड हैव बीन रिलीज, उसको रिलीज कर दिया जाना चाहिए था, कब तक, बाय जून 10, तो जून 10 तक रिलीज कर दिया जाना चाहिए था अगर पिछले साल के पैटर्न को देखें तो। Another DU professor said on the condition of anonymity if the result was to be declared on June 30 as earlier planned the provisional key answer key would have been released at least 10 to 15 days in advance. देखिए, another में कि एक और जो DU के professor है उन्होंने said कहा on the condition of anonymity,
देखिए किस कंडीशन पे कहा, एनोनिमिटी के कंडीशन पर। एनोनिमिटी का मतलब था गाइस गुमनामी, मतलब कि उन्होंने कंडीशन रखा कि उनका जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसको रिवील, मतलब कि उसको उसका खुलासा ना किया जाए। उस कंडीशन पे जो डीयू के प्रोफेसर है उन्हें कहा कि इफ का सेंस होता है अगर, द रिजल्ट जो रिजल्ट है वॉज टू बी डिक्लेयर, अगर उसको डिक्लेयर किया जाना था कब, ऑन जून 30, तो जून 30 को एज जैसा कि अर्लियर प्लान, मतलब कि जैसे कि पहले प्लान किया गया था, तो अगर इसको डिक्लेयर किया जाना था जून 30 को, तो क्या जब प्रोविजनल आंसर की है वुड हैव बीन रिलीज, तो उसको रिलीज कर दिया गया होता। अगर यू नो जो रिजल्ट है उसको डिक्लेयर किया जाना था 30 जून को, तो प्रोविजनल की को जो है उसको रिलीज कर दिया गया होता एटलीस्ट 10-15 डेज इन एडवांस। तो एटलीस्ट मतलब कि कम से कम 10-15 दिन एडवांस में ही उसको रिलीज कर दिया जाता। बट एज द प्रोविजनल की आर नॉट येट आउट, तो जैसे कि अब जो प्रोविजनल कीज है आर नॉट येट आउट, वो अभी तक आउट नहीं हुआ है, इट वुड टेक अ फ्यू वीक्स, तो ये क्या करेगा, इट वुड टेक फ्यू वीक्स, तो ये कुछ हफ्ते लेगा किसके लिए, फॉर द एजेंसी, तो एजेंसी के लिए क्या करने के लिए टाइम लगेगा, टू कंप्लीट, तो कंप्लीट करने के लिए जो ग्रीवियंस रीएड्रेसल प्रोसेस है उसको कंप्लीट करने के लिए, एंड टू रिलीज, और रिलीज करने के लिए किस चीज को, द फाइनल की, तो जो फाइनल की है उसको। As the result will be based on the final key, it seems that CUET UG results 2024 is most likely डिलेड। देखिए एज यहाँ पे चूंकि या क्योंकि के सेंस में यूज़ हुआ है, चूंकि जो रिजल्ट है विल बी बेस्ड, वो बेस्ड होगा मतलब कि आधारित होगा किस चीज़ पे, ऑन द फाइनल की, तो फाइनल की पे क्योंकि जो रिजल्ट है वो आधारित होगा, तो इट सीम्स, तो ऐसा लगता है कि जो CUET UG रिजल्ट है 2024 का इज मोस्ट लाइकली, इसका ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि क्या हो जाएगा, यह डिलेड हो जाएगा, मतलब देरी हो जाएगी, ऐसा संभावना है। So this is the news guys, I hope you understood, अगर आपको समझ आया हो then do thumbs up and do not forget to subscribe my channel which is Chandan Khare, I'll be making such kind of content in future, so that's it for today, I'll meet you in the next video, till then take care, bye bye.